वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नताशा करण और प्रीता की नजदीकियां बढ़ते हुए देखकर काफी ज्यादा जलने वाली है। यहां पर वो सबसे बड़ा कदम उठाएगी जहां पर वो प्रीता को पूरी तरह से करण से अलग करके करण का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, वो भी नशे की हालत में। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगी? वहीं दूसरी तरफ क्या प्रदीप यहां पर चुराने में पेपर्स कामयाब हो पाएगा? क्या प्रीता दोनों तरफ से हार जाएगी? क्या करण और प्रीता अलग हो जाएंगे? क्या होगा प्रीता का? क्या यहां पर प्रीता के हाथों से प्रॉपर्टी भी चली जाएगी? कई सारे ऐसे सवाल आपके मन में गूंज रहे हैं और आने वाले एपिसोड में क्या खास दिखाया जाएगा उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि प्रीता यहां पर पहले काफी ज्यादा गुस्सा है करण से और करण यहां पर प्रीता के साथ में होली नहीं खेल रहा, जिसके बाद में अब यहां पर करण को शरारत सूझती है और प्रीता को जाके कलर लगा देता है और यहां दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट आते हैं। पहले यहाँ पर काफी ज्यादा नताशा खुश हो रही थी कि करण उसके नजदीक है प्रीता को जलाने के लिए, लेकिन नताशा को यहाँ पर सबसे तगड़ा झटका तो तब लगता है जब यहाँ पर प्रीता और करण दोनों नजदीक आ जाते हैं। इसी बीच में यहाँ पर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसके साथ साथ वो एक ऐसा कदम उठाती है जहाँ पर वो शर्लिन का सहारा लेगी और उसके बाद में यहाँ पर भांग की गोलियां मिलाकर पिलाई जाएगी ठंडाई में, वो भी करण को, जिसके बाद में करण यहाँ पर थोड़ा बहुत नशे में तो आ जाएगा। लेकिन नताशा का प्लान जो कामयाब होने वाला था वो तो नहीं होगा, ये तो है। लेकिन उससे बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियां जरूर आ जाएंगी जो कि करण और प्रीता के बीच में थोड़े बहुत अनबन का काम करेंगी, लेकिन दोनों अलग नहीं होंगे और दोनों के बीच में एक बार फिर से वही नशे वाली चीजें यहां पर नजदीकियां बढ़ाते दिखाई देंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदीप भी पूरी तरह से कामयाब नहीं होगा, जिसे देखकर आप खुश होंगे। कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।